आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी ऑफ सेंस एनवायरनमेंट आर द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बेसिकली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेंस ऑफ द एनवायरनमेंट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। हमारे एनवायरनमेंट में टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहाँ पे मेनली हम देख सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम में ग्रोथ दिखाई देता है, उनके सेल्स होते हैं, और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन मेन फंक्शन होता है जिसके वजह से जनरेशन आगे बढ़ता है और न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के जो सेंसेस होते हैं वो भी यहाँ पे काम करते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन वहीं पे अगर नॉन लिविंग का बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पे सेल्स नहीं होते और रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लोग एकदम से क्या होते हैं कि एक ही जगह पे शैटर्ड रहते हैं। ये लोग मूव भी नहीं कर पाते हैं, वैसे प्लांट भी मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि मूवमेंट या फिर सेंसेस जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग इसे बीट भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली ट्रू है और इसी को हम टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।